साइलेंस, जी हाँ साइलेंस, बट कैन यू हियर इट। मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ आपको मनोज बाजपेयी की इस मूवी का, जिसका नाम है साइलेंस, कैन यू हियर इट। अगर इस नाम के बारे में हम जाने दोस्तों, तो ये नाम से ही पता चलता है कि बहुत शांतता है, लेकिन क्या इस शांत में भी आप किसी को सुन सकते हैं, किसी की आहट को सुन सकते हैं? यानी कि कहीं ना कहीं एक थ्रिलर, एक मर्डर, एक मिस्ट्री है जो कि मर्डर मिस्ट्री बनाकर सामने पेश किया है साइलेंस यू कैन हियर इट, जो कि मूवी है। और आप इसको देख सकते हैं इस वक्त दोस्तों, OTT प्लेटफॉर्म पर यह रिलीज हो चुकी है, और अगर आपने नहीं देखा तो इसको जरूर देखिए। चलिए इसके रिव्यू के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, खमागिनी केम छोके रोहाल का सिकाय, मैं हूं करण रजानी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार हमारे साथ, हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, शुरुआत में आपको जो दिखाया जाता है बहुत ही प्यारे ढंग से दिखाया जाता है कि यहां पर एक लड़की की लाश पड़ी। अब ये लड़की की लाश कहाँ से मिली, किसको मिली, क्यों मिली, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो ये लाश जो है वो यहाँ पर पड़ी है और उसके सर पर एक बड़ी सी चोट है, यानी कि किसी ने उसे मार कर यहाँ पर डाला है, यानी कि या तो रेप हो गया है और रेप करके उसके बाद उसको मारा गया है, या तो फिर पैसों की लालच में, या तो फिर इनके जो पिता है वो एक्स जज थे, बहुत बड़े जस्टिस थे, इसके लिए उनको शायद मारा गया है। उसके बाद यहाँ से कहानी शुरू होती है, चार लड़कों को ये बॉडी मिलती है, पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस जो है उसके बाद धीरे धीरे करके जो है चौकन्ना हो जाती है। इसके पहले शुरुआत जो आपको दिखाते हैं वो बिल्कुल अलग है, ड्रग्स से मामला जो है वो थोड़ा सा जोड़ देते हैं। लड़की के पिता जो है, अब यानी कि जो एक्स जज है, वो चाहते हैं कि मनोज बाजपेयी जो है इनका केस संभाले। और मनोज बाजपेयी जो है बहुत ही ज़्यादा शातिर इंसान है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर होकर काम को यूँ ख़त्म करते हैं, लेकिन ऊपर के जो कमिश्नर है वो नहीं चाहते कि, क्योंकि वो जो काम करते हैं वो पूरे दायरे के बाहर आकर करते हैं। जी हाँ, और यहीं पर मुश्किलें शुरू होती है मनोज बाजपेयी की। लेकिन मनोज बाजपेयी जो है वो टस से मस नहीं होते और कहते हैं कि मुझे एक अलग टीम देना है। और इसमें एंट्री होती है बॉलीवुड की अभिनेत्री प्राची देसाई की। जी हाँ, प्राची देसाई को, जिनको आपने देखा था इमरान हाशमी के साथ में, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना। जी हाँ, आपको गाना याद आ गया, प्राची देसाई इसके अंदर थी। और यहाँ पर वो एक पुलिस अफसर, यानी कि पुलिस लेडी पुलिस है, और यहाँ पर वो उनके साथ में जो है पूरी तरह से मदद कर रही है। अब ये जो शुरुआत से लेके अंत तक इतने सारे लोगों को जो घुसाया जाता है, फर्स्ट हाफ में आप पूरी तरह से एंटरटेन हो जाएंगे। अब आप सेकेंड हाफ की तरफ चलें, अगर सेकेंड हाफ को जो अगर बात करें, तो सेकेंड हाफ में साइलेंस यू कैन हियर इट में एक कोमा पेशेंट दिखा दिया जाता है, जहां पर रवि जो है MLA का बेटा है और उनकी पत्नी जो है वो कोमा में है। अब ये सारी घड़े जो चीज़ें हैं वो पूरी की पूरी चीज़ें मिलाते हैं इससे, अब वो कोमा में क्यों है, वो मर्डर क्यों हुआ है। और मर्डर के पहले रवि के घर पर दो दिन के लिए, दो रातों के लिए रहने गई थी वो लड़की जिसका मर्डर हुआ है। अब सेकेंड हाफ जो घुमाते हैं, दिस इज ऑसम। और अगर मनोज बाजपेयी की मैं बात करूँ, तो मनोज बाजपेयी मेड फॉर ट्विस्ट, ये बंदा ट्विस्ट के लिए बना हुआ है। ये पूरा जो ट्विस्ट लाता है ना, आपको इतना ज़्यादा कन्फ्यूज करेगा, आपको इतना ज़्यादा कन्फ्यूज करेगा। ये है तो खुद पुलिस अफसर, लेकिन आपको CID बनाकर ही छोड़ेगा। और ये सब होते होते ये जो मर्डर मिस्ट्री है वो आखिर में जो जाकर पड़ती है वो है MLA के बेटे पर। जी हाँ, तो यानी कि खूनी जो है वो है MLA का बेटा, ये दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर फिर से मनोज बाजपेयी ट्विस्ट लाते हैं, और इस पूरी कहानी में वो लड़की जो कुछ समय के लिए दिखाई गई थी, उस लड़की को फिर से लास्ट में, आखिर में लाया जाता है। और जब वो आखिर में आती है तो वही होती है मर्डरर। जी हाँ, अब आप सोच रहे हैं कि रवि जो है वो मर्डर है, आप सोच रहे हैं जो इतने सारे लोग हैं वो सारे मर्डर है, ये पूरी कहानी में आप यही सोचते रह जाएंगे। लेकिन ये जो आखिर में जो लड़की को लाकर रखते हैं जो कि मर्डर है, आप देखकर, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आई मस्ट से मनोज बाजपेयी, हैट्स ऑफ। पूरी जो मूवी है बिल्कुल एक जैसे प्रॉपर एक मर्डर मूवी होती है, मर्डर मिस्ट्री मूवी होती है, उसी की तरह है, कोई चेंजेस नहीं है। जैसे आप दूसरी मूवीज़ देखेंगे, मिसेज सीरियल किलर देखेंगे, जो भी आप मूवी देखेंगे वो उसी की तरह है। लेकिन मनोज बाजपेयी ने जो ट्विस्ट लाया है, अमेजिंग। अगर आप मिस करते हैं तो दोस्तों, आप बहुत बड़ी चीज़ मिस करेंगे। तो प्लीज़ डोंट मिस दिस मूवी साइलेंस यू कैन हियर इट। आप जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं किस प्लेटफॉर्म पर है, एंड आप इस मूवी को देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मूवी है, बहुत ही उमदा मूवी है, 1.5 से 2 घंटे की मूवी है, लेकिन आप इसको एंजॉय करेंगे। मैं हूँ एंकर करण रजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। टेक केयर एंड गुड बाय।